पहुंचेंगे तो मैं बताता हूँ, ठीक है? चलो हम जल्दी घर पहुंचेंगे। चलो चलो। हर साल होली मार्च में मनाया जाता है। यह कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत के बारे में है। राजा हिरण्यकश्यप ने पहाड़ पर ब्रह्मा के लिए तपस्या की। ब्रह्मा ने उनको वरदान दिया, हिरण्यकश्यप तुमको कोई नहीं मार सकता है। यह वरदान पाकर राजा हिरण्यकश्यप अत्याचारी हो गया। उनका पुत्र प्रह्लाद भगवान विष्णु का भक्त था। जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु। हिरण्यकश्यप ने इनको बात बुराई मानी। प्रह्लाद, पूरी देश मेरी पूजा करता है, तुम्हें भी मेरा ही नाम देना है। मैं हूँ हिरण्यकश्यप। प्रह्लाद उनकी बात न मानकर विष्णु की पूजा करते रहे। जय श्री विष्णु। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को होलिका को बुलाया। बहन, तुम्हारे वरदान और चादर से तुम आग में नहीं जल सकती, तुम ही प्रह्लाद को मार सकती है। होलिका प्रह्लाद को गोद में बिठाकर आग में बैठ गई। प्रह्लाद ने विष्णु को बोला, जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु। भगवान विष्णु वायु के रूप में आकर चादर प्रह्लाद के ऊपर जा पड़ा।
नमस्कार।